बकरी जो है ईद उल अदा, ये एक कुर्बानी का महीना है। और सबसे पहले मैं देश में सभी लोगों को मैं इस ईद उल अदा के मौके पर उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आज पूरी दुनिया की हालत ठीक नहीं है, कोरोना वायरस आकर के हमारे देश को और हमारे देश के साथ साथ पूरे दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है। हम लोग ईद के खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन हम लोग इस बात का ख्याल रखें कि हम लोग के हाथ से कुछ ऐसा काम ना हो जिससे लोगों को तकलीफ हो। बहुत ही हम लोग समझदारी के साथ में इस ईद को मनाएं और पूरा गवर्नमेंट का हम लोग ध्यान रखें कि हम लोग किसी तरह का सोशल डिस्टेंस का दुरुपयोग ना हो। और हम लोग जो घर से बाहर निकलते हैं, लॉकडाउन अभी चल रहा है हमारे पूरे देश में, उसका भी हम लोग पालन करें। क्योंकि क्या है कि हम लोग की ज़िंदगी में ऐसा कितनी कुर्बानियाँ आएगी और जाएगी, लेकिन आज माहौल को देखते हुए हम सभी देशवासियों का फ़र्ज़ बनता है कि सरकार द्वारा जो नियम बनाया गया है उसका हम लोग पालन करते हुए इस ईद उल अदा को मनाएं तो बहुत अच्छी होगी। मैं फिर से एक बार सारे दोस्तों को ईद उल अदा की मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से माहौल जो अच्छाई का था वो हमेशा कायम रहे। और आपको ये जो मुसीबत जो पूरी दुनिया पे आ पड़ा है उससे हम सबको निजात दे, हमारे पड़ोस को, हमारे भाइयों को, दोस्तों को, पूरे देश को और पूरे दुनिया को इससे निजात मिले, ऐसा मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ।